हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते रहिए। आज जो है कल आपका पढ़ाया जा रहा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चर देखा जा रहा था कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए। आखिर ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर आपका दिखता कैसा है, ठीक है, आज देखा जाएगा, वही चीज को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको कहते हैं शुक्राणु की संरचना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर आपको मिलेगी शुक्राणु की संरचना। देखो आपका स्पर्म जो था कुछ इस तरह का था ना, था ये इसका हेड हो गया, ये इसका नेक हो गया, ये इसका मिडल पीस हो गया और ये इसका टेल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है? हेड है। ये आपका क्या है? नेक है। इसे कहा जाएगा मिडिल पीस और इसे कहा जाएगा टेल, ठीक है। अब देखिए ये जो हेड है, इसी हेड के आगे आपका क्या है? एक्रोसोम है। एक्रोसोम है। एक्रोसोम एक प्रकार का देखा जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर भरा होता है, क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, अंडे को, अंडे की जो झिल्ली होती है उसको तोड़ने का काम करता है। सपोज एट मान लिया जाए अगर ये अंडा है तो ये क्या है, इसके साथ शुक्राणु आएगा ना, तो ये अंडे के साथ शुक्राणु ऐसे जब मिलता है तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है अंडे के झिल्ली को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? तोड़ देता है, यानी कि गला देता है। इसके अंदर अगर देखा जाएगा ये पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ही भरा होता है। एक्रोसोम आपका पूरा हेड के अग्र सिरे पर स्थित होता है। ये आगे वाला जो भाग है ना, ये पूरा आगे वाला भाग ही आपका एक्रोसोम कहलाता है। इसके नीचे अगर देखा जाएगा आपका इलोंगेटेड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका डीएनए होता है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का आपका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं आपके? क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए आपका क्या? बेसिकली प्रोटीन से बना होता है, वो भी उस प्रोटीन का नाम है आपका हिस्टोन प्रोटीन। इस हेड के नीचे जो आपका नेक है, देखो बिल्कुल हमारा बॉडी भी इसी तरह का होता है ना। ये क्या है? हमारा सिर है, ये हमारी नेक है, ये हमारा पूरा भाग जो है मिडिल पीस है। अगर टेल रहता तो कुछ इस तरह होता, हमारे पास टेल नहीं, हमारे पास क्या है? हमारे पास लेग है, टांगे है, ठीक है। तो बिल्कुल क्या है, इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो नेक है, नेक के पास दो प्रकार के आपके सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक आपका डिस्टल सेंट्रियोल होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, एक आपका डिस्टल सेंट्रियोल है, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीपस्थ, समीपस्थ तारक काय, और डिस्टल का मतलब होता है दूरस्थ तारक काय, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारा अगर हेड, अगर अपने अपने ये को अपने हैंड को अगर लिया जाए तो ये क्या है? ये वाला हिस्सा हमारे पास है ना, तो जो पास है इसे क्या कहा जाएगा? प्रॉक्सिमा। और ये हमारा फिंगर क्या है? हमारे हाथ से ये काफी दूर है, तो इसे क्या कहा जाएगा? डिस्टल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपका स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर अगर देखा जाएगा, मनुष्य के अंदर एक ऐसा सेल है जिसके अंदर फ्लैजिला होती है। ह्यूमंस अगर फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो उसके पास ओवा है, लेकिन ओवा के पास कोई फ्लैजिला नहीं है। ह्यूमन ही एक ऐसा है जीव, वो भी मेल में देखा जाएगा, उसके पास जो सेल है, एक ऐसी सेल है, उस सेल को हम शुक्राणु के नाम से जान, जिसके पास क्या होती है? फ्लैजिला होती है। ये फ्लैजिला है आपका, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आपका डिस्टल, इसके अंदर से क्या होती है, इस तरह आपके एक फिलामेंट निकलते हैं और ये पूरा आपके टेल तक पहुंच जाते हैं, क्लियर है। इस मिडिल पीस के अंदर अगर देखा जाएगा आपका माइटोकांड्रिया पाया जाता है, कुछ इस तरह का, ठीक है ना। माइटोकांड्रिया क्या करती है? इसको एनर्जी जनरेट करती है। जैसे अगर हम सेल्स में पढ़े फर्स्ट ईयर का अगर देखा जाएगा सिलेबस, उसमें आपका सेल चैप्टर है। उस सेल चैप्टर में क्या होता है कि पहला जो चैप्टर है उसमें सेल्स के बारे में पढ़ाया जाती है। सेल में क्या होता है कि अगर देखा जाएगा सेल जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहा जाता है। वो जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है? आपका केंद्रक होता है।
और कोशिका के चारों तरफ अगर देखा जाएगा उसके अंग होते हैं जिसे कोशिकांग कहा जाता है। उन कोशिकांग में एक ऐसा कोशिकांग है जिसे हम माइटोकांड्रिया के नाम से जानते हैं। वो माइटोकांड्रिया उस ऊर्जा को एटीपी जनरेट करता है, तब जाके वो सेल आपका कार्य करता है। तो हमारे अगर देखा जाएगा शुक्राणु के भी अंदर क्या है, माइटोकांड्रिया। इसी माइटोकांड्रिया के वजह से उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है और वो तेजी से फड़फड़ाकर आपका फीमेल के वजाइनल ट्रक्ट से होते फेलोपियन ट्यूब में जाता है। आपको कल बताया गया था कि एक दो आपके स्पर्म नहीं होते, मिलियंस ऑफ मिलियन स्पर्म जो होते एक साथ इंसेमिनेशन क्रिया के द्वारा वो फीमेल के वजाइनल ट्रक्ट में पहुंचते हैं और वो वजाइनल ट्रक्ट से होते हुए फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में अंडे के पास पहुंचता है, तब जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरा करता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसी माइटोकांड्रिया की वजह से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है। वो भी एनर्जी बनती कैसे है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एटीपी आपका एडीपी में बदलता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस उसके साथ क्या मिलती है, हमारा एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी माइटोकांड्रिया की वजह से क्या होती है, इस तेल को एनर्जी मिलती है। ये आपका क्या है, माइटोकांड्रिया है। ठीक है, इस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा घर। ऊर्जा घर यानी कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना, कोशिका का ऊर्जा घर कौन है, आपका माइटोकांड्रिया। तो यही माइटोकांड्रिया आपके कहाँ है, आपके स्पर्म के अंदर है, जो क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। वो भी एनर्जी किसमें जनरेट होता है, आपका एटीपी के रूप में, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, यही फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट आपका डाइफॉस्फेट में बदल जाता है, तो क्या मिलते हैं, एनर्जी धीरे धीरे आपकी जनरेट होने लगती है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका शुक्राणु है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो आपका स्पर्म है वो आपका स्पर्म क्या है, आपके सेमिनल देखा जाएगा सेमेन के अंदर है। सेमेन का मतलब क्या होता है, आपका वीर्य होता है। अगर हम शुक्राणु को अगर डायरेक्ट देखना चाहे तो आप नहीं देख सकते, लेकिन आंखों से आप उसे देख ही नहीं सकते, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं होगा तब तक आप उसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं होगा तब तक आप उसे देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए बताया गया सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। चाहे आपका मेल का गैमेट हो चाहे आपका फीमेल का गैमेट हो, दोनों को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, तो आपका जो सेमन है उस सेमन के ही अंदर आपका क्या होता है, आपके बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं। और वो भी आपका सेमन कब निकलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में, एंडिंग में। मेल जो है मिल्की व्हाइटिश लिक्विड निकालता है, उसी को ही हम वीर्य कहते हैं, उसी को ही हम सेमन कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है आपका सेमन। ये है आपका स्ट्रक्चर शुक्राणु की। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्ट्रक्चर आप स्पर्म का डायग्राम बनाइए। तो यही स्ट्रक्चर है जिसके तीन भाग हैं, एक आपका हेड है, एक आपका मिडिल पीस है, और तीसरा आपका क्या है, हेड नेक मिडिल पीस और आपका टेल। ठीक है, आप इसको बना देंगे अच्छे से, लेबलिंग कर देंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाता है। ज्यादा नहीं पूछता आपका, एक से दो नंबर का पूछता है। ये आपके स्पर्म आपके कहाँ होते हैं आपको बताया जाता है, आपके टेस्टिस के सेमिनल वेसिकल्स के सेमिनल फ्रेस्ट ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वो भी कब होता है, जब मेल पॉबर्टी समय में जाता है, 13 से 14 साल की अवस्था में जब पहुंचता है, तो ब्रेन से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, वही हार्मोन्स आपके जाके टेस्टिस को हीट करता है, तो वहां पे एक प्रकार का हार्मोन बनता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहा जाता है। उसी हार्मोन्स के ही वजह से क्या होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनता है। उसी हार्मोन्स की वजह से मेल में आपके द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आपको बताएगा कंधे चौड़ा होना, आवाज का परिवर्तन होता है, वक्ष पे बाल रहना, जननांगों का परिपक्व होना, जननांगों का विकास होना। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ा जाए वीर्य। वीर्य देख लिया जाए कि आखिर आपका वीर्य क्या होता है। ठीक है, वीर्य को ही कहा जाता है सेमन। क्या कहा जाता है, सेमन। आगे देख लिया जाए वीर्य आपका है क्या। वीर्य देख लिया जाए आपको क्या है, चलिए चलिए वीर्य देखा जाए आपका। देखो वीर, इसी को ही कहा जाता है सेमन। देखो सेक्सुअल इंटर कोर्स, इंटर कोर्स के लास्ट में जो मिल्की व्हाइटिश कलर
मिल्की वाइटिस, ठीक है ना, कलर फॉर्म होता है उसी को सेमेन यानी कि क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। वो वीर निकलेगा कब? पुरुष के सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में निकलेगा। कैसा कलर होगा? वो मिल्की होगा, व्हाइटिस कलर का होता है, ठीक है ना। उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेमन। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? वीर्य कहा जाता है। देखो वीर्य जो है अधिकतर कहाँ बनता है? आपका स्पर्म से बनता है। कितना स्पर्म बनाता है इसको? 10% आपका स्पर्म बनाता है। दूसरा कौन बनाता है? आपका सेमिनल वेसिकल बनाता है। सेमिनल वेसिकल बनाता है। कितना परसेंट बनाता है? 60% अकेले यही बनाता है, यानी कि मेजोरिटी आप स्पर्म अगर देखा जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल है। तीसरा कौन बनाता है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस कौन? आपका बल्बो यूरे थल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस बल्बो यूरेथल ग्लैंड। तो ये आपका कितना हो गया? आपका 60-70 और आपका 30%, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आपका कौन बना रहा है? आपका सेमिनल वेसिकल आपका बना रहा। देखो ये आपका है पेनिस, ये इसका बाहर का स्ट्रक्चर होगा, ये यूरेथ्रल होगा, यही आपकी यूरेथ्रल मार्ग है जो बाहर जाके क्या करती है, ये मिल्की व्हाइटिस कलर निकालती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके दो क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? अपने अंदर से ये पदार्थ को निकालती है, यानी कि सेमन को क्या करती है, निकालती है, और पुरुष इस पेनिस से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो अकेला सेमिनल जो है 60% जो है सेमन को बनाता है, स्पर्म जो है 10% सेमन को बनाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है 30% आपके सेमन को बनाते हैं। क्लियर है? तो टोटल आपका कितना हो गया? आपका 100% आपका यही हो गया। कभी कभी आप एनसीईआरटी में एक चीज इंडिकेट किया है आपका, अगर देखा जाएगा ईपीडीडाइमिस हो गया, जो आपके एसेसरी डक्ट है। एसेसरी डक्ट का मतलब जो स्पर्म को एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जाते हैं। एसेसरी डक्ट में आपका ईपीडीडाइमिस हो गया, आपका अगर देखा जाएगा वास इफ्रेंसिया, वास डिफ्रेंसिया, ये सब क्या है? आपके ईपीडीडाइमिस होते हैं। ये भी कुछ कुछ पदार्थ को निकालते हैं, कुछ कुछ पदार्थ का मतलब ये भी कुछ कुछ क्या सेमन को बनाते हैं, ठीक है। ये सारे मिल के आपके क्या बनाते हैं? आपके सेमन को बनाते हैं। इसी सेमन के ही अंदर आपका क्या होता है? आपका शुक्राणु आपका उपस्थित होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाएगा पूरा इस मेल रिप्रोडक्शन का कर्ता धर्ता जो है आपका कौन है? स्पर्म है। पूरा कर्ता धर्ता मतलब स्पर्म, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बिना टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स के वजह से कुछ होने वाला नहीं है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की अगर कमी हो गई तो पुरुष में अगर देखा जाएगा जो उसका द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो आपका कमजोर हो जाएगा। यानी कि पुरुष के अगर देखा जाएगा जो भी सारी चीजें हैं, जो नर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो अगर दाढ़ी मूछ वगैरह, वक्ष पे बाल बना, उसकी टेस्टिस का सही, पेनिस का सही, सब क्या हो जाएंगे? सारी की सारी चीजें जो होती है वो छोटे हो जाएंगे। किसके वजह से? अगर सही मात्रा में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर नहीं निकला तो, अगर बराबर मात्रा में निकलते हैं तो वो बराबर मात्रा में कंटिन्यू आपका बनता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा स्पर्म बनने लगते, इतना ज्यादा आपके बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जिसका बॉडी के ऊपर इसका निगेटिव प्रभाव होता है। तो क्या होता है, जो बॉडी में ज्यादातर आपके हार्मोन्स बनने लगते हैं तो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास ये सूचना जाती है कि बॉडी में ज्यादातर आपके हार्मोन बन, जिसका बनना ठीक ठाक नहीं है, तो आपकी क्या करती है, हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन्स का जो लेवल है उसको लो करती है। यानी कि जब लो कर देगी तो फिर से अपने एक इक्वल लेवल पे हार्मोन आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका इसमें हो गया, ठीक है ना। एक चीज और देखना, टोटल अगर 100% में अगर देखा जाएगा स्पर्म में तो 60% जो आपका स्पर्म होता है वो आपका नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन 40% में अगर देखा जाए तो विग्रस होता है, विग्रस मोर्टेलिटी होती है। विग्रस मोर्टेलिटी का मतलब अगर देखा जाएगा बहुत तेजी से ये क्या करते हैं, फड़फड़ाकर आगे की तरफ ये जाते हैं। विग्रस का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से जाने वाले, ठीक है, वजाइनल ट्रैक में। एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो जितना अगर स्पर्म का, अगर आपका ये जो स्पर्म है, अगर स्पर्म का अगर टेल आपका काम नहीं कर रहा है तो समझिएगा वो कभी भी फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। फीमेल के एग को फर्टिलाइज करने के लिए क्या चाहिए? ये टेल चाहिए। जब तक टेल के अंदर एटीपी जनरेट नहीं होगा, वो तेजी से काम नहीं करेगा, तब तक वो फीमेल के वजाइनल ट्रैक में जाकर महिला के अंडे को निषेचित नहीं करेगा। इसलिए इस टेल का प्रॉपर रूप से एनर्जी जनरेट करना, इसका काम करना बहुत जरूरी है। बिना टेल का
स्पर्म एग को फर्टिलाइज आपका नहीं कर सकता है। ठीक है, यही आपका स्पर्म है जो आपका स्पून लाइक स्ट्रक्चर का होता है, बिल्कुल माइनर होता है, जो आपको नेकेड आई से नग्न आंख से आप इसे देख नहीं सकते। आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। स्पर्म होता कहाँ है, आपके वीर के अंदर। वीर क्या होता है, आपका मिल्की व्हाइटिस दूधिया कलर का एक पदार्थ होता है जो मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में निकलता है पेनिस के रास्ते से बाहर। उसी के अंदर एक बार एग्जैकुलेशन में कितनी स्पर्म निकल है, 30 से 40 करोड़। आप समझ सकते हैं 30 से 40 करोड़ स्पर्म निकलते हैं। ये 30 से 40 करोड़ स्पर्म जो है एक बार में फीमेल के वजाइनल ट्रैक में जाते हैं। आपको कल बताया गया था कि गंदी मौत की मार होती है, ठीक है ना, इतना गंदा खतरनाक स्पर्म अंदर मरते हैं कि कोई हद है। रेस होती ना, उन सारे रेस में कोई एक अकेला स्पर्म जो है जिसकी मोर्टेलिटी सबसे अच्छी होगी वही जाके आपके फीमेल के अंड को फर्टिलाइज करेगा, अन्यथा कोई आपका करेगा ही नहीं। तो टोटल आज अगर देखा जाएगा इस लेक्चर में, तो स्पर्म के बारे में बता दिए, वीर के बारे में बता दिए, यानी कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का आपका प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला जो आपका टॉपिक है जिसे कहा जाएगा ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस का मतलब होगा आपके अंड जनन की प्रक्रिया। शुक्राणु जनन की ये प्रक्रिया थी जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे थे। अगला जो आपका लेक्चर होगा वो ऊजेनेसिस होगा। ऊजेनेसिस का मतलब अंड कैसे बनते हैं फीमेल के ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ऊजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, मेल के अंदर पॉबर्टी स्टेज में, जब मेल 13 से 14 साल की अवस्था में जा रहा था तब उसके अंदर स्पर्म बन रहा था। लेकिन ऊजेनेसिस में देखा जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है, जब फीटल स्टेज में माँ के गर्भ में बच्ची होती तभी से उसके अंदर सारा काम स्टार्ट हो जाता। आज के लिए बस इसमें इतना ही। आई होप आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आने वाले समय में आपके सामने हम अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट को लाए। थैंक यू सो मच, बाय।